67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यह भलीभांति विदित है कि अब हम ब्यावर शहर या ब्यावर कस्बे में नहीं विराजमान हैं, अब हम ब्यावर जिले में उपस्थित हैं। और ब्यावर जिला बनने के बाद यह पहला अवसर है जब संत पॉल विद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का। तो आज से, अभी से हम सभी इस प्रतियोगिता का एक अभिन्न हिस्सा बनने की ओर अग्रसर हैं। दीपक के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान की रोशनी में नई उम्मीदों की ओर कदम बढ़ाते हैं। सो फॉर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प आई वुड लाइक टू इन्वाइट रेवरेंट फादर प्रिंसिपल मिस्टर नरेश जी जटिया एंड द गेम्स टीम ऑफ डी ऑफ। Start on our journey of sportsmanship today, it's essential to invoke blessings and gratitude. So I would like to invite our students to lead us into prayer through a short prayer service. पवित्र बाइबल से आज का पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वाक्य संख्या 24 और 25। क्या आप यह नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। अतः आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं, वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें और हमें शक्ति दे। हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं बैडमिंटन और टीटी के बच्चों के लिए कि वह अपना गेम अच्छी तरह खेल सकें और आप उनकी मदद करें। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ जितने भी छात्र उपस्थित हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दें, आप केवल अपना कर्म करें, क्योंकि ईश्वर का आशीष सदा हम पर बना रहता है। ईश्वर के इसी आशीष को निरंतरता प्रदान करने हेतु मैं विद्यालय की छात्राओं को प्रार्थना नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथी रे
अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में यह पंक्ति आप सभी ने सुनी होगी। इसका अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है और हम प्रारंभ से ही इस परंपरा का निर्वाह करते आए हैं और आज भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य उपस्थित नरेश जी जटिया जो जिला खेल अधिकारी हैं उनका माल्यार्पण करने हेतु रेवरेंड फादर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद फादर। साथ ही हमारे मध्य शारदा चौधरी जी जो जिला खेल विभाग की सदस्या हैं उनके स्वागत के लिए मैं मैम अंजलि को आमंत्रित करता हूं। हमारे मध्य खेल विभाग के सदस्य गणेश जी उपस्थित हैं। मैं सर लक्ष्मी नारायण को आमंत्रित करता हूं कि माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। दिनेश जी चावला हमारे मध्य जो कि तकनीकी सलाहकार हैं उनके माल्यार्पण के लिए मैं सर पीयूष को आमंत्रित करता हूं। और जोर से ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। हमारे मध्य जितेंद्र जी मीणा जो बैडमिंटन एकेडमी के इंचार्ज हैं और इंटरनेशनल रेफरी भी हैं उनके माल्यार्पण के लिए सर लक्ष्मी नारायण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे मध्य जय कुमार जी टांग जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं परिचित हैं मैं आपके स्वागत के लिए हमारे विद्यालय के सदस्य हमारे विद्यालय के छात्र जो विद्यालय काउंसिल के सदस्य हैं करणी प्रताप उनसे आग्रह करूंगा कि आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप खेल विभाग से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य बहुत सारी टीम्स उपस्थित हैं जिनका परिचय देने के लिए मैं सर सुमित को मंच पर आमंत्रित करता हूं। पिता परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। सेंट पॉल्स की इस प्रांगण में मैं सभी टीम मैनेजर्स का टीम कोचेस का और बाहर से पधारे हुए सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार ब्यावर जिला बना है और हमें 17 वर्ष और 19 वर्ष में बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का अवसर मिला है। हम इस लायक तो नहीं थे पर परमेश्वर की इच्छा थी कि हमें इस तरह की आयोजन के लिए
नवाजा जाए। तो हम सभी खेल अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे मध्य में मौजूद हैं कि आपका प्रोत्साहन मिला और आप लोगों ने चाहा कि हमारे स्कूल में ये ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 17 वर्ष में छात्र वर्ग में बॉयज़ में लगभग 13 टीमों ने भाग लिया है। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बैडमिंटन में इतनी टीमें आएंगी। बड़ी खुशी की बात, मैं चाहूँगा आप सब अपने लिए ताली बजाएं। 13 टीमें विभिन्न जगह से हमारे मध्य में मौजूद हैं छात्र वर्ग में, जहां हमने अन्य गेमों में देखा है कि 5 या 6 टीमें मौजूद थीं, पर बैडमिंटन में इतनी टीमें आई। छात्रा वर्ग में भी 17 वर्ष के अंदर 11 टीमों ने पार्टिसिपेशन लिया है। इसी तरह से 19 वर्ग में छात्र वर्ग में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और 19 वर्ष छात्रा में 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बैडमिंटन में 5 से 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। कुल मिला के 141 स्टूडेंट हमारे बीच में इस दोनों प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सारे बच्चों का हौसलावर्धन करें, क्योंकि ब्यावर जिला बना है और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं कि पार्टिसिपेट करें। और जब आप पार्टिसिपेट करने आए तो हमारे स्कूल की तरफ से मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारा स्कूल वेल डिसिप्लिन स्कूल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों में जब हैंडबॉल के डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे थे तो वहाँ के अधिकारियों ने चाहा कि हमारे स्कूल के ग्राउंड को यूज़ करें। और जब श्रीमान नरेश जी ने मुझे बोला कि सर आपका ग्राउंड चाहिए, मैंने हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड फादर से बात करी और बिना झिझक किए कि बार में फादर ने कहा नहीं, हमारा ग्राउंड उपलब्ध है, आप बच्चों को खेलने की परमिशन दें। इसी तरह 2 दिन पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जवाजा के प्रिंसिपल ने हमें अनुरोध किया कि सर आपका फुटबॉल ग्राउंड हमें चाहिए अंडर 14 के लिए। तो फादर ने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप अपना ग्राउंड तैयार है, आप उनको दो और वो खेलेंगे। और जब बैडमिंटन और अंडर 14 टेबल टेनिस की बात आई, मैंने कहा फादर वो चाह रहे हैं कि अपन ऑर्गेनाइज करें, तो फादर ने कहा नहीं हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने पास फैसिलिटीज़ है और अपन चाहेंगे कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दें। तो ये सारी सुविधा के लिए सारे हकदार हमारे रेवरेंड फादर हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़ोर से ताली बजा के स्वागत करें। और उन्होंने कहा है कि खेल विभाग और गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ में हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है और बहुत ही बेहतर से सहयोग करता है प्रशासन के साथ रहकर। और आज आप उसका उदाहरण देख रहे हैं, क्योंकि ना केवल आप लोग डिस्ट्रिक्ट खेलने आए, सम ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड ओनली टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग फॉर द स्टेट लेवल। दैट मच ओनली मोटो, यही मोटो लेके आप लोग आए ना। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका मोटो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल नहीं होना चाहिए। जस्ट यू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, आप इवेंट में पार्टिसिपेट करो, अच्छा आप अपना प्रदर्शन दो, ताकि आप लोग ना केवल जिले के लिए, राज्य के लिए, पर आप भारत के लिए खेलें। छात्रों, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। So now, moving forward, I would now like to invite Mr. Naresh Jatia to come on the stage to lead us in the oath of sportsmanship and comradeship. अभी अपना right hand सीधा कर लीजिए बेटा। Attention, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा होगा, मुट्ठी बंद होगी। आप लोगों को मेरे साथ बोलना है 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में भाग लेने वाले हम समस्त प्रतियोगी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए क्रीड़ा तथा देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। मन चाहता है कि आपके लिए 2 पंक्तियां अवश्य कही जाए। फूल बिछे हों या कांटे हों, फूल बिछे हों या कांटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। छात्रों, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम।
Now, without any further ado, let us now welcome the talented students of our institution who have prepared a dance performance that embodies the essence of determination, teamwork, and victory. निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रानिकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ मिली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे अट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कर बेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चकले गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले दस बारह बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे तथ्य नाम है जी जिद है तो हो जिद छात्रों हम किसी भी कार्य को करते हैं तो ईश्वर के आशीष के बाद जो हमारे बड़े हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं उनका आशीर्वाद लेना अवश्य बनता है क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और आप सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मध्य जो उपस्थित अतिथिगण हैं वे अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं और जब ये आपको आशीष प्रदान करेंगे तो आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा तो इसी श्रृंखला में आप सभी का मार्गदर्शन करने हेतु मैं मैम शारदा चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे यहां उपस्थित हों और सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीष प्रदान करें टीम इंचार्जेस कोचेस वे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है नए ज़िले में हमारे यहाँ ये दो टूर्नामेंट जिसके लिए मैं फादर सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ विभाग की ओर से जिन्होंने हमारे एक छोटे से कहने पे रिक्वेस्ट करने पे हमारे ये टूर्नामेंट ले लिए हैं हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने हमारे हल्के से झटके से उन्होंने सॉल्व कर दी है जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देती हूँ फादर सर को प्यारे बच्चों टूर्नामेंट हर साल होते हैं हम हर साल तैयारी करके आते हैं हमारा मेन मकसद होता है कि हम खेल को खेल की भावना से खेलें देखिए हार जीत इस गेम में इस खेल में इस मैदान में होती रहती है जीतने वाले बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं और जो बच्चे नहीं जीत पाते हैं उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि वे अगली बार जब भी आएँ पूर्ण तैयारी से और एक जज्बे के साथ मैदान में उतरें
और ताकि उन्हें सफलता हासिल हो सके। प्यारे बच्चों, खेल को खेल की भावना से खेलते हुए हमें ये नहीं देखना कि हमारी जीत हुई है या हार हुई है, हमें हमारे गेम में कौशल एक अच्छा और बेस्ट प्रदर्शन करना है, जिससे सबकी नज़रों में हम ये जान सकें कि ये खेलने वाला खिलाड़ी वास्तव में खिलाड़ी था। वैसे मुझे इतना बोलना नहीं आता है, लेकिन सर के रिक्वेस्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर कोई गलती हो या कहने से कुछ चूक गई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विभाग की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, विशेष रूप से फादर सर का, जिन्होंने ये जिम्मा हमारा विभाग का इन्होंने अपने कंधों पे लिया है। और अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद और आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं आशान्वित हूँ कि छात्रों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और सभी छात्र आपके आशीष से अनुग्रहित हुए। छात्रों, हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमारे मध्य हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी कभी संकट उपस्थित होते हैं, बाधाएं आती हैं, तो आपसे हमने यही सीखा है कि घबराना नहीं है, क्योंकि कार्य करने से होता है, डरने से नहीं। तो आप सभी को उनके आशीष से अनुग्रहित करवाने हेतु तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर उपस्थित हों। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेश जी, जो ब्यावर जिला के खेल अधिकारी हैं और खेल विभाग से पधारे सभी अतिथिगण, विद्यालय को रिप्रेजेंट करने वाले सभी कोचेस, मैनेजर्स और छात्र छात्राएं, 67वीं जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग, जैसा कि हमारे सभी मुझसे पहले जो यहां पर उपस्थित रहे हैं उन्होंने बताया है, खेल को खेल की भावना से खेलें। आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सब पर इसी प्रकार आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद फादर, हम सभी आपके आशीर्वचनों से अनुग्रहित हुए। छात्रों, हमारा कार्यक्रम अपने समापन की ओर अग्रसर, लेकिन हमारे उत्साह का कभी समापन नहीं होगा, हमारे खेल भावनाओं का कभी समापन नहीं होगा। इसलिए इस कार्यक्रम को अपने अंतिम मार्ग पर ले जाने से पूर्व अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पानी दे, मेहनत कर पानी दे, बंजर जमी से भी फल निकलेगा, बंजर जमी से भी फल निकलेगा। छात्रों, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। यदि आप अर्जुन के समान अनुशासित रहेंगे तो अवश्य ही अपने खेल का सिरमौर बनेंगे। सभी को आपसे सीखने को मिलेगा। यहीं अब मैं आप सभी को अपने स्थान पर राष्ट्रगान गाने के लिए, खड़े होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय रे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
जय हे जय 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 हे। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। I request all of you to have a big round of applause for our chief guest and the Reverend Father Principal. Dream big, work hard, stay focused is the key to success. We, the St. Paul's family, heartily welcome all of you to present here in the closing ceremony of 67th Badminton and Table Tennis District Level Tournament. मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इस बार सेंट पॉल स्कूल ने ब्यावर जिला बनने के पश्चात प्रथम बार ब्यावर जिला स्तरीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी को स्वीकारा और उसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। One of the greatest shuttler of India, P.V. Sandhu has said, "Your dreams are what define your individuality. They have the power to give you wings and make you fly high." I would like to thank the Almighty God for the safe and smooth tournament, and I also thank Reverend Father Principal of our school, who is famous for taking such initiatives. And who believe in the motto of together we can and together we will. So, under his guidance and leadership, we are able to complete our task. We start our program with a prayer song. Tu mera shan sthan, tu mera gad hai, sankat mein mera do. मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से मैं हूं यहां प्रभु मैं हूं I request our Reverend Father Principal to welcome our chief guest. The PTI from the Government Senior Secondary Talkia Chetaran. Mr. Dinesh Kumarji Chawla, Government Senior Secondary School, Byawar Khas. A special thank to Mr. Jitendra G. Meena. He's an NIS coach, umpire of different international games, and he's also the director of Byawar Badminton Academy. A great clap. Thank you, Father. मैं सभागार में प्रस्तुत सभी टीम प्रभारियों व विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापकों व अध्यापिकाओं का स्वागत व धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता में हमें अपना सहयोग प्रदान किया। मैं आप सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पिछले चार दिनों में अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, रिमेंबर नो वन विल डू इट फॉर यू, no one will do it for you, always believe in yourself. Now I would like to call Anvi Mehta of St. Paul School Byawar and Spriya from Mangal Newton School Byawar as players representatives wants to share their views on competition. A pleasant afternoon to one and all present here. I am Anvi Mehta, a student of St. Paul School, and I am glad to be a part of Byawar's first badminton tournament as a district. I urge my vote of thanks to St. Paul's School, Reverend Father,
all the PTIs and the school staff who organized such an amazing tournament. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में उत्साह से भाग लिया और इसे साकार किया. साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे टीचर्स और कोचेस का जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया. हम में से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि ब्यावर जैसी छोटी जगह जो हाल ही में जिला बनी है वहां हमें इतना अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा. बट मुझे खुशी है कि आप सभी खेल के महत्व को लेकर जागरूक हैं. आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑल द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज इट इज यू हु एक्चुअली मेड दिस टूर्नामेंट अ सक्सेस. किसी भी खेल में विजेता सिर्फ एक ही होता है पर उस खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों की जरूरत होती है जो आप सब हैं. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्षों में ब्यावर से भी कई खिलाड़ी निकलेंगे और आप में से भी कई होंगे उनमें से एक. धन्यवाद. Good afternoon, one and all present here. First of all, I would like to thank St. Paul's School for hosting the very first district games for Byavar as a district. I, Spriha Nahar, feel blessed to be a winner in this tournament and representing Byavar. Ek bahut hi acha tournament raha, jisme hame ye pata chala ki Byavar jile mein bhi itna competition hai. All the schools are actively participating in organizing and hosting such events and helping students to concentrate on sports as well as academics. I am very happy and proud to know that in a country where cricket is such a popular sport, sports like badminton are also getting so much attention. Mujhe vishwas hai ki aane wale samay mein Byavar se koi Saina ya Sindhu to zarur niklegi aur isme मंगल न्यूटन, सेंट पॉल्स और अन्य स्कूल जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनका मुख्य योगदान रहेगा. वंस अगेन आई थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हु डिड अ ग्रेट जॉब एंड ऑल माय कंपेटिटर्स हु प्लेड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम. विनिंग और लूजिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेटिंग इज. थैंक यू. थैंक यू गर्ल्स. दिस इज व्हाट गेम्स गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. Now it's time to acknowledge the hard work of our players. I request our chief guest to felicitate our players. The results of the table tennis under 19 boys and the winner team is St. Paul's School, Byavar. I request all the members of the table tennis players of the St. Paul's Schools come there. The runner-up team is Gurdeep Academy from Byavar. Gurdeep Academy from Byavar. The runner-up position to the Gurdeep Academy Byavar. The third position, KD Janis School, Byavar. Under 19 boys category, table tennis, KD Janis School, Byavar. Under the category of under 17, the winner team of boys is Bangad Public School, Ras. Under 17 boys winners team. They are the winners of the under 17 boys category, Bangad Public School, Ras.
in the team event girls under 17 category table tennis, and the winner is Bangad Public School, Ras. So from the girls side also, the winner is Bangad School. Team event winner is Bangad Public School, Ras. I request team coach or the sir who is with the Bangad team, please come here. Under his guidance, they have won this trophy. The runner-up team, St. Paul's School, Byawar, and the category of boys table tennis under 17. Under 17 boys team event, St. Paul's School, Byawar, runner-up. In the girls category also, St. Paul's School, Byawar, stood second position. Position goes to BL Goti Public Senior Secondary School, Byawar, in the boys category under 17 table tennis. Under 17 boys category, third position, PLG, Byawar. The girls category, Government Senior Secondary School, Byawar Khas. Government Senior Secondary School, Byawar Khas. Sir is here from the Byawar Khas. Under 17 girls, table tennis. If you can't put a limit on anything, if you can't put a limit on anything, the more you dream, the further you get. The more you dream, the further you get. Badminton under 19. And the first position under 19 boys goes to Central Academy School, Byawar. Under 19 boys category, badminton. And the first position, Central Academy School, Byawar. They have played a remarkable game there and shown different skills in the badminton. So in the team event, under 19 badminton champions. Under 19 girls team event, and the first position goes to BL Goti Public Senior Secondary School, Byawar. I request all the players to please clap.
I request in charge of the BLG school also please come here. I request all the students and players please maintain the discipline. So they are the winners of the under 19 girls team event. Second position goes to Ambuja Public School, Sabariawas. Under 19 boys category, Ambuja Public School. They got the second position in under 19 boys category badminton. Under 19 girls category, second position goes to St. Paul's Senior Secondary School, Byawar. So the runner-up team, under 19 category girls, St. Paul's School. Students, clap and encourage your friends. The game is over now. For the third position, under 19 boys category team event, BL Goti Public Senior Secondary School, Byawar. Third position goes to BLG Byawar, under 19 boys badminton. Second runner-up team, under 19 boys badminton. The in charge of the BLG. Under 19 girls category, DPS Senior Secondary School, Byawar. Under 19 category, third position goes to DPS Senior Secondary School, Byawar. The individual event for state selections, we got a positions. The first position, Praneet Sharma from Central Academy School, Byawar. Second position, Chirag Sakya, Ambuja Public School, Rabriyawas. I request all the players, please maintain the discipline. Singles. They are the winners of the individual event for state selections. First position, Praneet Sharma, Central Academy School, Byawar. Second position, Chirag Sakya, Ambuja Public School, Rabriyawas. Third position, Raghav Jhawar, BL Goti Public School, Byawar. Fourth position, Divyansh Yadav. Badminton under 17 team event under the category of under 17 boys. The first position goes to Ambuja Public School, Rabriyawas.
under the category of under 17 girls. The first position goes to Bangar Public School, Ras. I request all the students and teachers, please clap for our champions. Position goes to Bangar Public School, Ras, under 17 boys badminton. Under girls category, the second position goes to Mangal Newton School, Byawar. Again, I request to team in charge, please motivate our students. Position under 17 boys goes to St. Paul Senior Secondary School, Byawar. Under 17 girls, the third position goes to Mayur School, Raipur. Your students. Individual events for state selection. Under 17 boys, the first position goes to Harshvardhan Singh from Pragya International School, Vijayanagar. The first position, under 17 girls, Spriya Nahar from Mangal Newton School, Byawar. From under 17 boys, Rajat Raj Singh from St. Paul School, Byawar. So it is my request to motivate our players. The second position, under 17 girls, Himanshi Rathor, Bangar Public School, Ras. The third position, under 17 boys, Divyanshu Joshi from Bangar Public School, Ras. Under 17 girls, third position goes to Bhumi Gandhi from St. Paul School, Byawar. Thank you very much, Father. Thank you very much, sir. Congratulations to all of you. As Sumit sir promised to all the players that we are going to have a surprise program from the Sumit sir, and this is a surprise program for all the players.
मैं कहा बेटा अच्छा टूर्नामेंट होगा, हम तुम लास्ट में जाओगे तो हम तुम्हें गाना भी सुनाएंगे। तो ये मुझे बोले सर दो दिन से, सर आप गाना कब सुनाओगे? तो मैं इनका गाना वो पूरा कर देता हूँ कमिटमेंट, एक सॉन्ग इन लोगों को सुना देता हूँ, द ग्लिम्स ऑफ दिस बैडमिंटन टूर्नामेंट। बना दी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया अफसाना, तेरे जैसा याद कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी अफसाना। प्यारे बच्चों, जनरली मैं मूवी सॉन्ग सिंगिंग नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर चर्चेस के गाने गाता हूँ, बट आई सिंग फॉर यू। पर ये सारा प्रोग्राम किसी एक ब्लेसिंग्स के द्वारा ही पूरा हुआ है, उसके लिए मैं एक थैंक्स गिविंग का गाना भी गाना चाहता हूँ। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, मैं क्या ला सकता हूँ। What a wonderful performance. Thank you very much, Sumit sir. अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान महावीर जी चारण से गुजारिश करूंगी कि वह अपने सादर वचनों से हमें अनुग्रहित करें। इस प्रांगण में विराजमान फादर साहब, यहाँ के सभी अध्यापकगण और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, हमारे कोर्ट के काफ़ी कैंप्स लगते रहते हैं ADR सेंटर की तरफ से, इसमें कई बार गांवों में भी जाना होता है, तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि हमारा समाज जब तक शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेगा, और शिक्षा भी महिलाओं की शिक्षा, हम हमारी बच्चियों को अगर पढ़ाएं तो ये समाज और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। और एक कहावत भी है कि अगर हम हमारी बच्ची को पढ़ाएं तो वो अपनी तीन पीढ़ियां सुधारती है, क्योंकि जब हम हमारी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अपना जीवन जीते जीते जब उसके बच्चे होते हैं तो उसकी क्या क्या कमियां रही हैं
जो वो नहीं ले पाई, वो हमेशा उस चीज़ को अपनी बेटी को ज़रूर देती है कि जो कमियां किसी कारणवश उसको शिक्षा में नहीं मिली वो अपनी बेटी को ज़रूर देगी। वो उस बेटी को फुलफिल होंगी, फिर वो बेटी ये सोचेगी कि मुझे मेरी पढ़ाई की लाइफ में या बचपन में क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेगी, वो अपनी बच्ची को आगे देगी। तो ये क्रमबद्ध चलता रहता है और एक शिक्षा में एक निखार आता जाता है और वो शिक्षा का निखार हमारे समाज में दिखता है। हम हमारे बच्चों को शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर उसमें खेल कूद भी है तो वो भी एक शिक्षा का ही पार्ट है। आज वर्तमान में कुछ एक नए ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं जो कल्पना से भी परे हैं। आज से 20 या 30 साल पहले या हमारे बुजुर्गों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने महंगे गेम खेल सके, लेकिन आज संसाधन इतने उपलब्ध हैं हमारे पास कि हम हर गेम खेल सकते हैं और उसमें अफर्ट द बेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा है, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। एक बच्ची के तो प्लास्टर भी बंधा हुआ है, शायद पेन हुआ होगा उस बच्ची को, और जिस हिसाब से दिख रहा है काफ़ी इन्होंने एफर्ट भी किया है। ये भी एक शिक्षा का ही पार्ट है। आज पीवी सिंधु जो ओलंपिक्स से मेडल लेके आई है, या हरियाणा से जितनी भी हमारी रेसलर्स हैं वो लेके आई है, अगर उनके मदर फादर या उनकी मदर उनको आगे प्रोत्साहित नहीं करती तो क्या आज वो इंडिया के लिए मेडल लेके आते? बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए हमारे समाज में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि कुछ एक किदवंतियाँ हैं जो दूर होती हैं, कुछ एक बुराइयाँ हैं वो दूर होती हैं और हमारा समाज आगे बढ़ता है। बाकी सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आगे और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। धन्यवाद। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि वे 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करें। मैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि रेवरेंड फादर प्रिंसिपल जिला स्तरीय झंडे को सर को देकर के इस कार्य को पूर्ण करें। क्योंकि सेंट पॉल स्कूल मेजबानी कर रहा था तो मैं सभी टीचर्स को, स्पेशली सुमित सर को, लक्ष्मण सर को, अंजलि मैम को और आकाश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में इसको ऑर्गेनाइज करने का हमें अवसर मिला, लेकिन बखूबी इनकी प्रेजेंस में ये टूर्नामेंट्स बहुत अच्छी तरह हुए और इस प्रकार हम इस टूर्नामेंट को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। सो वंस अगेन आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी ने मिलकर के ये कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। मिस्टर रमेश चंद्र जी जांगिड, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी तालकिया जेतारन, ही इज ऑल्सो द चीफ जज एंड द चीफ एम्पायर ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट। मिस्टर दिनेश कुमार चावला जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर खास। अ स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर जितेंद्र जी मीना, ही इज एन आई एस कोच, अम्पायर ऑफ इंटरनेशनल गेम्स, डायरेक्टर ऑफ ब्यावर बैडमिंटन अकेडमी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा।